भाजपा मंडल फतेहपुर द्वारा पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार के नेतृत्व में सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में आज एंजल दिव्यांग एवं अनाथ आश्रम छतर रहन में जाकर दिव्यांग बच्चों को फल बांटे। इस दौरान उन्होंने दिव्यांग आश्रम के संचालकों को 31,000 रुपए की राशि का चेक भेंट किया। इस अवसर पर कृपाल परमार ने दिव्यांग बच्चों का हालचाल जाना और इनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने कहा कि छतर गांव की दंपति दिव्यांग बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा देकर बहुत बड़ा सामाजिक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह संस्था के संचालक अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा दिव्यांगों की सेवा में लगा रहे हैं, उनके सहयोग के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आकर इनकी मदद करनी चाहिए। इस अवसर पर कृपाल परमार ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकारें गरीबों, दिव्यांगों व पिछड़े लोगों के उत्थान के काम कर रही हैं। भाजपा का मूल मंत्र भी अंत्योदय है। आने वाले समय में सरकार इस दिव्यांग आश्रम को भी पूरा सहयोग देगी। सुना था कि छत्तर में कोई ऐसा दिव्यांग आश्रम चल रहा है, तो बड़े दिन से सोच रहा था, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्रसन्नचित हूँ इन लोगों की जो इस आश्रम के प्रति जो श्रद्धा है, जिस तरीके से ये लगे हैं। तो मैं भगवान से ही कामना करता हूँ कि ये फले फूले, इनकी जो है जो इनकी मेहनत है वो रंग लाए, बच्चे स्वस्थ हों और मैं भी कोशिश करूँ कि समय समय पर इनकी कुछ ना कुछ हेल्प करता रहूँगा। धन्यवाद। पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 69वें जन्मदिन पर 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मना रही थी। आज इस कार्यक्रम का आखिरी दिन था और इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर ने 17 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, 18 तारीख को रहतपुर के एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में गरीब बच्चों को फल वितरण का काम किया था और आज ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है और अंतिम कार्यक्रम है जिसमें आज हम एंजल्स दिव्यांग और अनाथ आश्रम छत्तर में हम लोग आए हैं। जिस तरीके से ये अपने कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा दिव्यांगों की सेवा में लगा रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि हम भी इस संस्थान के साथ जुड़ते हैं। आज ये हमने एक छोटा सा कार्यक्रम किया है, दिव्यांग बच्चे उनको फल वितरण किए हैं और इस संस्था को 31,000 रुपये का चेक भेंट किया है। ये मैं मानता हूँ कि हमारी तरफ से शुरुआत है। इस रिश्ते को, इस संपर्क को हम और आगे बढ़ाएंगे ताकि जो सेवा ये कर रहे हैं उसमें हम भी भागीदार बन सकें। इस सेवा सप्ताह में पूरे देश में दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने का पार्टी की तरफ से योजना थी, उसमें इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था। तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि पार्टी जो है वो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दिव्यांगों के लिए, किसानों के लिए, हर श्रेणी के लिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।